तो वचन में चलते हैं, यकूब चैप्टर 4 वर्स 7 में जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं सुनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बस अभी वचन बोलते ही 12:30 ठीक हुआ है, आप लोग समय को याद कर सकते हैं तो याद कीजिए। यकूब का चैप्टर 4 वर्स 7 मैं पढ़ूंगा हिंदी में, ऐसा लिखा है यकूब का 4:7 में, इसलिए प्रभु में अधीन रहो, शैतान को सामना करो तो तुमसे भाग जाएंगे, तुमसे दूर निकल जाएंगे या तो तुमसे भाग जाएंगे। क्या संदेह में मैंने प्रचार किया था, हमारा संथाल समाज में शैतान आत्मा बुरा आत्मा का डर इतना हम लोग का कल्पना में रहते हैं। विश्वासी में यीशु का विश्वासी बनने के बाद भी हमारे पास शैतान का डर होता है और वो डर का फायदा उठाकर कभी कभी हम शैतान के चालों में भी फंस जाते हैं। जहां तक कि आदमी जब मर जाता है खास करके, और वो मरा हुआ आदमी 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता के बाद अगर हमारी घरों में कुछ आवाज आते हैं, दरवाजा में कोई आवाज आता है या रात को कोई जानवर मुर्गी हमारा गाय डर जाता है, तो हम कल्पना कर लेते कि शायद पिछला हफ्ता मरा हुआ व्यक्ति तो शायद उसका आत्मा तो नहीं आया है क्या, ये डायरेक्ट हमारे कल्पना में आ जाता है। लेकिन जब बाइबल को देखा जाए तो बाइबल में क्या लिखा है, जब आदमी मरते हैं शरीर मिट्टी में चला जाता है, आत्मा देने वाला के पास चला जाता है, चाहे वो बुरा आत्मा क्यों ना हो, चाहे वो अच्छा आत्मा क्यों ना हो, वो आत्मा के पास चला जाता है। तो संसार में हमें परेशान कौन कर रहे थे, बाइबल में लिखा है एफेसियों का चैप्टर 6 में क्या लिखा है, एफेसियों का 6 अध्याय में क्या लिखा है, लिखा है 14 से पढ़ेंगे, तो संसार बुरा आत्मा लोगों का राज है, है ना। आपका पड़ोसी, आपका पहचान, आपका कोई करीब व्यक्ति मरा हुआ का आत्मा का संसार नहीं है, ये संसार शैतान दुष्ट आत्माओं का, शैतान का अलग अलग छेला लोग का संसार है। यहाँ पर संसार में ये लोग राज करता है, बोला है अपना मर्जी करता है, ये लोग आत्मिक दुनिया में है वो लोग, इसलिए हम उनको दिखाई नहीं देते। हाँ कभी कभार कोई भूत को देखता जरूर है, लेकिन वो भूत किसी व्यक्ति के रूप में या किसी की छाया को लेकर या तो किसी जानवर के रूप को लेकर भी आ सकता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है जो देखता है, वो दुष्ट आत्मा है। कोई कोई दुष्ट आत्मा होता है कि किसी व्यक्ति के अंदर चला जा सकता है, कोई कोई दुष्ट आत्मा होता है कि किसी का आत्मा अंदर में चला जाता है, उस व्यक्ति को पूरी तरह कंट्रोल करके तरह तरह का भाषा तरह तरह का व्यवहार करने में उसको मजबूर करते हैं। लेकिन शैतान का काम उसी में सीमित नहीं है, नशा करके गंदगी बातें करना, झगड़ा करना, चोरी करना, है ना, तरह तरह का पाप भी शैतान के कामों में गिना जाता है। हमारे यहां कोई है कि यकूब चैप्टर 4 वर्स 7 को पढ़ते हैं और शैतान को चिल्ला चिल्ला कर भगाते हैं। आज सवाल यहां पर उठता है कि क्या आपका शैतान भगाने से शैतान भाग जाएगा। कोरिंथियस का चैप्टर 11 में क्या लिखा है, वो इसमें लिखा है कि हे भाइयों होशियार रहो, किस बात का, स्वर्गदूत के रूप में भी शैतान विश्वासियों के बीच में आता है, बोला है। सोच के देखिए, स्वर्गदूत के रूप में एंजल के रूप को लेकर भी शैतान विश्वासी के बीच में उपस्थित होता है, बोले तो आप क्या बोलेंगे उसको, कैसे भगाया गया। बाइबल उन लोगों को भगाने के लिए बोला जो व्यक्ति के जीवन में आता है ना। कोई कोई इतना कमजोर पड़ जाता है कि शैतान उनके शरीर को इस्तेमाल करता है ना, उनकी भावना को कंट्रोल करता है, वो अपना खुद का सोच समझ से अपना जिंदगी बिता नहीं सकता, पूरा के पूरा सोच विचार अंदर तक पूरा शैतान उसको काबू में करते हैं।
बस उन लोगों के पास जाना है, उनका शरीर से, उनकी आत्मा से, उनके प्राण से शैतान को भगाना होता है। याद कीजिएगा, भगाना होता है, भगाना है उसको। लेकिन बाइबल ये नहीं बोला कि यहां पर गिरजा में खड़ा खड़ा होते शैतान को भगाओ, ये नहीं बोला है। यहां में क्या लिखा है, शैतान को सामना करो। पहले क्या बोला था, भगाओ, और यहां पर क्या लिखा है, सामना करो। सामना करना ये जरूरी नहीं है कि लाठी लेकर झाप के मारो। सामना करना बोलो कुटा भुक 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 कर रहा है ना, तो सामना कीजिए। ये नहीं कि पत्थर उठाओ फेंको लाठी मारो, ये नहीं। कुटा आपके पीछे भाग रहा, सामना करके खड़ा हो जाओ, मजबूत होके दिखाओ, है ना, कि आप डर नहीं रहा, कुटा अपने आप कमजोर हो जाएगा। ये कहना चाह रहे, शैतान का चारों तरफ है ना, हमारी चारों तरफ शैतान का चाल पड़ा हुआ है, चोरी करने का, पाप करने का, गंदगी काम करने का, लड़ाई करने का, गंदगी बात करने का, है ना, कितना शैतान के चाल पड़ा हुआ है। और हम इन चीजों को नजरअंदाज कर लेते हैं और यहीं पे खड़ा हो, शैतान भागो भागो, इसे मचना नहीं, ऐसे नहीं भागने वाला, ऐसे नहीं भागने, क्योंकि उनका आत्मिक दुनिया है और हम आपको उसे दिखाई नहीं देता। लेकिन बाइबल ये कह रहा है कि शायद आज हमारे गिरजा के अंदर भी अभी शैतान मौजूद भी हो सकता है। तो क्या शैतान गिरजा को नहीं डरता? अरे डरता है ना, किस चीज से? यीशु मसीह के नाम को डरता है। आमीन। गिरजा के अंदर आने में नहीं डरेगा, कॉन्फ्रेंस में नाश्ता है ना, उसके बीच में भी शैतान काम करता है। एक बार हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ, हम लोग आत्मा में नाच रहे, हम लोग गाना गा रहे, आमीन आमीन बोल के सब लोग बोल लोग गिर, बीच में एक औरत शैतान पकड़ा है, सोच के देखो। अरे ऐसा आत्मा काम करता है, उस बीच में शैतान आ सकता है क्या? इतना आत्मा काम कर रहा है, शैतान कैसे आ गया? ओए कुरिन्थियस में क्या लिखा है, शैतान स्वर्गदूत के रूप में भी विश्वासी के बीच में आता है, संगति में आता है बोला है। तो हमारे संगति में जब आ सकता है, तो यहां खड़ा होते होते शैतान भागो भागो भाग जाएगा? नहीं, शैतान को खड़ा होते होते भगाओ नहीं बोला है बाइबल, सिर्फ बोला है कि सामना करो। हम लोग ने देखा यहां से वो औरत जो है कॉन्फ्रेंस में, हम लोग नाच रहा था मंजा में, इन लोग का बस्ती में, गिरजा में। अरे ये तो गलत है, दिखाई दिया सही, इसमें तो शैतान कुछ है। तो मैंने मेरा दोस्त को बताया, चलो चलो उसको पकड़ते हैं। मामूली सा औरत है, पतली थी, लेकिन इतना ताकत उसमें आ गया, हमको दो तीन लड़का को ऐसे फेंकने लगा। बस हम लोग उसको पकड़ा, प्रार्थना कर दिया। प्रार्थना करने के बाद आंखें पूरा बुला, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे कर बहुत प्यास लगा, पानी दिया, पानी दिया, बैठा, प्रार्थना किया, तब होश में आया। मतलब इतना तक तो वो होश में ही था, उसका होश कौन ले गया? लोग इतना आत्मा में नाच कर रहा है, गाना गा रहा है, और अन्य अन्य भाषा बोल के बेच रहा है, लेकिन वो शैतान डरे नहीं। इतना लोग अन्य भाषा बोल के नाच, उस बीच में वो आकर वो भी नाच रहा है शैतान, वो औरत का शरीर को इस्तेमाल करके शैतान भी नाच रहा था, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल अलग। आत्मा का काम अलग होता है, शैतान का काम अलग होता है, उसको पहचानना आप और मेरे लिए बहुत जरूरी है। हर अलग सा व्यवहार को हम शैतान नहीं चला सकते, आत्मा का काम भी होता है, कोई 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 शैतान का काम, तो उसको पहचानना जरूरी है। पहचानने के लिए हम लोग को प्रार्थना करना है, ऐसा नहीं कि हर डरावना चीज का शैतान है, शैतान है, नहीं होगा। एक उदाहरण मैंने बताएगा, शायद आज बताऊंगा, मेरा एक उसको तो जीजाजी है, मतलब वो लोग एक लड़की, जवान लड़की को बीमार होते हुए देखा, ठीक है, वो लड़की है यहाँ यहाँ बोल के हाथ ऐसे करती है, मुंह ऐसे से करके, आंख भी ऊपर नीचे करती है, बदन जो है कहाँ कहाँ ऐसे करके, ना तो कपड़ा ठीक संभल पा रहा है, ना तो वो मुंह ठीक से कर पा रहा है, हाथ ऐसे से कर रहा है। बोला कि ये तो शैतान है, बस
दूसरा पास्टर तीन लोगों को बुलाया, यीशु मसीह के नाम से बोल के दो तीन घंटा प्रार्थना की। अच्छा ही नहीं हो, अच्छा ही नहीं हो, तो जो भी हो प्रार्थना करके चलो हॉस्पिटल ले जाए। हॉस्पिटल लेके गया, उसको चेकअप किया, एक घंटा के बाद पता चला कि उसका लड़की का ब्रेन में ये मलेरिया PFR होता है ना, मलेरिया, मलेरिया मालूम है तो है ना, टाइफाइड की तरह है मलेरिया भी, और वो मलेरिया सर पे भी चढ़ सकता है ना, जब जब ज्यादा मतलब बुखार तेजी हो जाता है तो सर पे चढ़ जाता है और आदमी संतुलन खो देता है, पूरा होश खो देता है। वो लड़की भी वही हुआ, उसका मलेरिया अंदर अंदर बीमार था, बहुत दिन से नहीं पकड़ा, अचानक बुखार तेज हो गया, माथा गर्म होने लगा, उसका बुखार अंदर का ये बुखार जो है सर पे चढ़ गया और तरह तरह का व्यवहार किया। देखो लोग उसको भूत बोल के शैतान बोल के भगाने को लगे, एक घंटा तीन घंटा प्रार्थना किया, क्या असर हुआ? कुछ हुआ नहीं। इसलिए गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से कभी कभी हम हर चीज को शैतान में देखने लग जाता है और हम बेवजह डरने लग जाते हैं। इसलिए बाइबल का वचन को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अगर शैतान सही में काम कर रहा है तो उस शैतान के काम को नष्ट करने के लिए हमारे पास शैतान से शक्तिशाली नाम है, वो है यीशु मसीह का नाम। आमेन। ऐसा नहीं कि गिरजा है तो हम गिरजा के अंदर भाग जाएगा, शैतान में मुझे गिरजा के अंदर नहीं पकड़ेंगे, झूठ। गिरजा के अंदर में भी शैतान किसी को पकड़ सकता है, लेकिन किस को नहीं पकड़ सकता है शैतान? शैतान उन लोगों को नहीं पकड़ सकता है, यहां में क्या लिखा है, ए भाइयों प्रभु में अधीन रहो, अधीन है ना, स्थिर मजबूत। कहता है ना कभी खुशी कभी गम होता है ना, गाना है ना, कभी शैतान का बन जाता है और कभी प्रभु का बन जाता है ना, ऐसा अगर देखा है ना, बाजार का दिन में औरत लोग का दोस्त बन जाता है, दो तीन ग्लास तो पी लेता है, लेकिन संडे का दिन में सुबह में प्रभु का बन कर गिरजा में अच्छा से प्रार्थना करता है, संडे का शाम होते होते बाजार खत्म ही नहीं हुआ और वो हमारे बैदों लोग का बीच में से निकल के रास्ता नापने लग जाते हैं, मतलब कभी खुशी कभी गम है ना, कभी शैतान कभी प्रभु कभी शैतान, ऐसे लोगों का जिंदगी में क्या होगा? वो अधीन नहीं पे उसको, वो अधीन नहीं कहते, भले वो गिरजा को छोड़ के नहीं गया हो, ये गिरजा को नहीं छोड़ा, ये गिरजा का रजिस्टर में आपका नाम हमेशा है, ये मतलब नहीं है कि आप अच्छा विश्वासी है ना। अच्छा विश्वासी, अच्छा मजबूत विश्वासी होने के लिए आप रोज गिरजा नहीं आ सका, बारिश के कारण कई कई तरह के कारण वो अलग बात है। ये साबित नहीं होता कि हाथ हमारा पास्टर के हाथ में आपका नाम परिवार का नाम हमेशा रह दी है। हम तो नबीनगर गिरजा नहीं छोड़ा है ना, ठीक है नहीं छोड़ा है, गिरजा नहीं छोड़ा तो क्या अच्छा विश्वासी बन गया साबित होता है क्या? नहीं। गिरजा छोड़ो मत छोड़ो, उससे बढ़कर एक है क्या, आप प्रभु में अधीन हो, हर जगह जाते हो, कहीं में भी बैठते हो, काम जाते हो, बाजार जाते हो, तरह तरह के लोगों के साथ मुलाकात करते हो, क्या आप प्रभु में अधीन हो? यह तय करेगा कि शैतान आपको कितना नीचे देखेगा या ऊपर देखेगा या डरेगा। जो प्रभु में अधीन रहते हैं, उसके वचनों में अधीन रहते हैं, जो वचन को हमेशा याद करके उसी एक एक वचनों पर जो ध्यान देते ना, उसके जीवन में प्रभु का नाम का शक्ति हमेशा दिखाई देता है, भले हम ना देखा हो, लेकिन बाइबल क्या बोला है, पौलुस ने क्या बोला है, पौलुस ने क्या बोला ये याद रखिए, मेरा शरीर में प्रभु यीशु मसीह का निशाना चिन्ह बोलता है ना इसको मिल रहा है, जैसे कि मेरे हाथ में ये देखिए, बचपन में मैं बकरी ना बकरियां चलाता था चरवाहा बन के, मेरा पास 20-30 गलती हो सकता है, बचपन में वो कोई ना कितना है भूल गया, लेकिन 20-30 के बीच में होगा,
में रोज उसको चलाता था, पहाड़ियों में लेकर चलाता है, घीघी पकड़ के इस पकड़ के ना, और सांप को वापस कर। तो एक दिन सुबह क्या हो गया कि यहाँ पर मैं खेल रहा था आग जला के ठंडा, तो मोरथिन उठा मेरे यहाँ लगा, इतना ऐसा करने के बाद गिर नहीं रहा, देखा तो पूरा चमड़ा लेके चला। तो मेरा कोई पड़ोसी आया, बकरी का जो लेटिन होता है ना उसको लो लगा दो ठंडा हो जाएगा, लगाया बस एक हफ्ता में गाँव भर गया, लेकिन जिंदगी भर ही निशाना ले गया। आपका शरीर में भी ऐसा कुछ हो सकता है, अगर नहीं हो तो अच्छा है, नहीं होना चाहिए, अगर पहले से है तो अच्छा बात है। बाइबल भी बोलता है कि हमारे पास ऐसा कुछ निशाना नहीं था प्रभु की तरफ से, है ना, हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन बाइबल बोला है कि जब हम यीशु मसीह के नाम को विश्वास करते हैं, उसका नाम को ग्रहण करते हृदय में, और हम अपने आप को कुर्बानी देकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम बपतिस्मा लेते हैं, है ना, बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो उस बपतिस्मा से निकलने के बाद जब वो व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति के पास यीशु मसीह का तरफ से दिया हुआ निशाना रह जाता है। वो निशाना क्या है, फिलिपी में कोलोसा में क्या लिखा है, कोलोसिया चैप्टर 2:11 में लिखा है, भाइयों हम पानी में यूं ही अपना गंदगी कपड़ा को धोने नहीं जाते, हाथ पैर धोने नहीं जाते हम, ऐसा है कि आप बचपन से नहा धो के आया होगा, लेकिन कलीसिया के दिनों में नहीं नहाएंगे तो आप गंदा, ऐसा नहीं है, गंदगी धोने के लिए नहीं, बल्कि हम यीशु मसीह के नाम बपतिस्मा पानी में लेते हैं, वहां क्या होता है कि हम अपना हृदय को यीशु मसीह के नाम से काटनी ना, मतलब ना काटनी काटनी काटवाते हैं, मतलब काटनी काटवाना मतलब निशाना, प्रभु के तरफ से हमारे हृदय में प्रभु का शक्ति, प्रभु का प्रेम, प्रभु का उद्धार, है ना, जो भी बोलो प्रभु का अनुग्रह, सब उसी का निशाना, उसी का पहचान हमारे हृदय में कान के निशान की तरह बन जाता है। और एक उसको क्लियर कर दिया, अब्राहम को प्रभु ने क्या बोला, ए अब्राहम, संसार के लोग है ना बहुत जाति है, उनका बीच में तुमको मैं निशाना देना चाहता हूं, क्या निशाना, थप्पा देके यहां पे या इसमें सीना में, नहीं तुम जाओ हर लड़का को जाके काटनी काटवाओ, ना लड़का काटनी काटवाओ, तो लड़की का क्या होगा, लड़की को तो काटने को नहीं बोला, सिर्फ लड़का को बोला, क्यों, पहले जमाने में लड़का को ही इंसान गिना जाता है, लड़की को नहीं, हमेशा पुराना नियम को पढ़िए, पुराना नियम में ईश्वरवासिया एक लग है बोलने से उसमें लड़की गिनित नहीं जाता है, लड़की का तो नाम ही निशाना नहीं है, सिर्फ लड़का को काटनी काटता है, और अगर लड़की गलत लड़का गलत करता है तो लड़का का गलती की वजह से पत्नी बच्चा पूरा मर जाना पड़ता है, मतलब पिता का गलती की वजह से या तो उनका एक बुजुर्ग गलती की वजह से पूरा खानदान प्रभु खत्म कर देता है। ये नहीं पूछता कि औरत कितना अच्छा है, ये नहीं पूछता कि बच्चा कितना धर्मिक है, ये नहीं पूछता, पिता ने गलत किया वो सबका है। इसलिए पहला पुराना नियम में लड़का बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता था, गलत करे तो पूरा फैमिली का है, इसलिए लड़का को निशाना दिया कि जाओ काटो, काटने पर आप मेरा व्यक्ति बनोगे, मेरा जाति बनोगे, दुनिया से अलग तुम हो जाओगे। लेकिन ये नया जमाने में हम लोगों को जाओ काटो नहीं बोला है, मुसलमान को तो काटता है अभी, लेकिन हम लोग को ये काटो नहीं बोला, लेकिन हम लोग को काटने का तरीका क्या दिया है, पानी में जाके डुबकी लो, अपना हृदय को निशाना काटने की तरह काटो, हम नहीं काटेंगे, प्रभु का नाम हमारा विश्वास हमारे हृदय को निशाना बनाकर काटते हैं, और हम क्या होता है प्रभु का जाति बनते हैं, प्रभु का जाति बनने के लिए क्या निशानी है, निशाना है वो निशाना हृदय का काटनी, जो हृदय का काटनी ना मिला हो वो प्रभु का नहीं हो सकता,
पुराना नियम में कोई भी ये नहीं कहता था कि वो लड़का ईश्वर वासिया में गिना नहीं जाता, या तो सही अब्राहम का संतान में गिना नहीं जाता, प्रभु का पहचान के लोगों में गिना नहीं जाता। उसी तरह ये नया नियम में प्रभु का पहचान बनने के लिए गिरजा आना जरूरी है, लेकिन गिरजा आने से पहचान नहीं हो जाता। गिरजा में तो कोई भी आ सकता है, मुसलमान आ सकता है, हिंदू आ सकता है, सिख आ सकता है, या तो बुद्धिस्ट भी आ सकता है। क्या गिरजा में गए तो प्रभु का पहचान हो गया? नहीं, प्रभु का पहचान बनने के लिए प्रभु का दिया हुआ निशाना लेना पड़ेगा। आज इलेक्शन हो गया, 27 तारीख को इलेक्शन होगा फेस वन अपर असम में, फिर 3 तारीख को फेस टू इलेक्शन होगा एमएलए का, फिर फेस थ्री में हमारा यहाँ इस तरफ लोअर असम तरफ में इलेक्शन होगा, वोटिंग होगा। आप लोग सब वोट करने जाओ, क्यों? आपके पास यहाँ का पहचान पत्र है ना, वोटर आईडी है ना, तो क्या मैं भी दे सकता हूँ? नहीं, मैं क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मेरा वोटर आईडी यहाँ का ही, मेरा पहचान तो वहां का है ना, वहां में वोट रहेगा तब ना मैं जाके दूंगा। हाँ, मैं इंडिया हूँ, भारत हूँ, मैं भी भारतीय हूँ, मैं भी इंडियन हूँ, कहीं भी वोट है मैं वहां भी जाके वोट दे सकता हूँ। ऐसा नहीं होता, इलेक्शन का नियम में ऐसा नहीं होता। मेरा जहाँ पहचान पत्र है वहां में जाकर मैं वोट देने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर नहीं। आपका पास है तो आपको देना पड़ेगा, 18 साल से उम्र से ज्यादा है ना आपको देना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं। उसी तरह प्रभु के राज्य में जाने के लिए कलीसिया में सीधा आने से नहीं हो जाता है, गिरजा गाना प्रार्थना फास्टिंग करने से नहीं हो जाता है, प्रभु की ओर से उसका वासिया वहां से पहचान बनाना जरूरी है। वहां का पहचान पर ये है कि हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और हमारे हृदय का कातनी ले, प्रभु का निशाना को अपना ले। एक बार निशाना अपनाने के बाद बाइबल बोलता है कि उसी वचन में स्थिर रहो, आधारित रहो, उसी में कायम रहो, प्रभु में अधीन रहो, शैतान को सामना करो, मत डरे शैतान को, दुष्ट आत्मा से मत डरे, बस वचन में अधीन रहिए, वचन में हमेशा रहिए, तो शैतान खुद ब खुद आपको देखकर भाग जाएंगे। हम आज क्या है कि शैतान का थोड़ा सा आवाज सुनने से हम ही डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। देखा है ना इस फिल्म में, वो अजय देवगन आमिर खान फिल्म देखा होगा, अजय देवगन गिर जाता है, आमिर खान बचाने निकलते है ना, और सीढ़ी में चलने लगे, पैर पूरा कांप जाता है, ऊंचाई को देखकर कांप जा रहा है, तो बचाएंगे किसको है ना, बचाने वालों को देखो, ऊंचाई को मत देखो। ऊंचाई को देखा तो पैर कांपने लगा, उसका मुंह से राम राम निकल के बाद पूरा कांप रहा था। वो सीन को जब मैं देखता हूँ ना, अकेले भी बहुत हंसता हूँ, हंसते रहता हूँ। वो फिल्म जब भी वो फिल्म आएगा वही जगह को देखकर मैं हंसता हूँ। मेरा बच्चा, तीनों बच्चा है ना, तीनों बच्चा भी पेट पकड़ पकड़ के हंसता है उसमें, हाँ बहुत हंसी है। मेरा ये कहना है कि आज मैं सिर्फ फिल्मों का एग्जाम्पल लिया है, पहचान पर प्रभु का है, और हम पहचान पर पाने के बाद ये नहीं है कि शैतान हमें गड़बड़ नहीं करेगा, हमारी चारों तरफ शैतान हमेशा हमारे नजरों को चुराएंगे, हमारे कानों को भड़काएंगे, हमारी इच्छाओं को बढ़ाएंगे, हमारी जुबानों को स्लिप करवाएंगे ना, तरह तरह भाषा बोलने के लिए चुप रहना पड़ेगा ना, वो सबको शैतान हम लोग को जगाने का कोशिश करेंगे। उस वक्त क्या है कि अधीन रहो है ना, मजबूत रहो सब कुछ। अगर आप अधीन रहेंगे शैतान खुद ब खुद भाग जाएंगे, यही दिखा आपको, भागो भागो बोलने की जरूरत। आप शैतान को भगा रहा है और आप शैतान का चाल में ही चल रहा है तो शैतान तो पीछे आएंगे ना, समझ पा रहे हैं? आप कुत्ता से बहुत डरते हो लेकिन कुत्ता के लिए आप हड्डी पकड़ के जा रहे हैं, कुत्ता आपका पीछे तो करेंगे ना। कुत्ता से छुटकारा पाना है तो हड्डियां को भी फेंक दो, कुत्ता हड्डी को खाएगा, बिजी हो जाएगा, आप जाकर उसका साफ करो दे जाएंगे। आप हड्डी पकड़ रहे हैं, कुत्ता को बोल रहे हैं, अरे कुत्ता आपका हड्डी को पकड़ने के आया है ना, आपको नहीं, आपका हड्डी को खाना चाहता है, आप उसी को पसंद को पकड़ रहे हैं। शैतान का पसंद चीज आप ले रहा है, शैतान का पसंद चीज आप कर रहा है और आप शैतान को भगा रहे हैं। कैसे भागेगा? अरे पहले उसका पसंद चीज आपके साथ उसको दे दो, सब
है ना, चलो चलो सैतान आपका पसंद ना, सब दे दिया सैतान को, अभी सब जो पसंद है प्रभु का पसंद है, जाओ सैतान खुद बहुत निकल जाएगा। हम लोग यह कि सैतान का पसंद वाला है, प्रभु मुझे पीने के लिए मत दो और शराब पकड़ते रहे, प्रभु मुझे नहीं पीना है, पीना खराब है। लेकिन 10 रुपया 20 रुपया पत्नी से चुरा चुराता है, क्या शराब पीने, शराब पीने से मैं बहुत खराब होता हूँ प्रभु, आज से तो मेरा मुंह में ऐसा पसंद मत करो। लेकिन शाम को बाजार लोगते सब्जी पकड़ते देख रहे बस बहुत मीठा लग रहा है, खींच रहा है ना, पी लेता। तरह तरह का इसी तरह के इच्छाओं को लेकर चारों तरफ सैतान अपना जाल फंसा रहा है, और ये चालों को ही बाइबल बोला है कि अधीन रहो, मजबूत रहो, तो सैतान के चालों में मत पड़ो, सैतान खुद ना खुद भाग निकल पड़ेंगे। चलिए आज हमारा ये भाई बहन बपतिस्मा लेना चाहता है, आज गिरजा में तो आ गया, हम तो मेंबर में लिख लेंगे, लेकिन मेरा मेंबर लिखने से आपको उधर तो नहीं जाएंगे ना, उधर जाने के लिए उधर से आया हुआ आदेश को पालन करना पड़ेगा कि हे भाई हे बहन आप दोनों भी प्रभु यीशु का निशाना को ले लीजिए, है ना, आपको वोटिंग करना है तो इलेक्शन कार्ड ले लीजिए, वहां पर प्रवेश करना है ना, वहां से टिकट आया है, वो टिकट क्या है, यीशु मसीह का नाम लिख के आया है, उस नाम को आप हृदय में ले लीजिए, बपतिस्मा में ग्रहण कीजिए, अभी तो मेरा अधिकार नहीं, एक बार बपतिस्मा दे देना बाकी आप चलो जितना दौड़ सकता है दौड़िए, जल्दी पहुंचता है तो जल्दी पहुंच जाइए, लेकिन खुदकुशी मत के मत पहुंचे, खुदकुशी करेंगे तो नरक चला जाएंगे, है ना। ज्यादा उम्र जियो, ज्यादा अच्छा काम करो, प्रभु का प्रचार करो, हमारे पास्टर जैसा करता है, लोगों का ख्याल करो, लोगों के प्रार्थना का अच्छा भले काम करो, जल्दी स्वर्ग राज्य पहुंच जाएंगे, सारा इनाम वही रुकेंगे। बस संसार में हम तो नाम लिखता है कांता है लिखता है कर सकता है, इतना इसे बढ़कर क्या कर सकता है, लेकिन स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश करेगा आप ही तय करेंगे। आप प्रभु में अधीन रहिए और सैतान को सामना करो तो सैतान खुद भाग जाएंगे। इसी वचन को लेकर मैं आज ये वचन इसमें अंत करता हूँ। मैं 25 मिनट प्रभु का वचन प्रचार किया है, तो इसलिए यहाँ में अंत करते हुए प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष करे और इस वचन के द्वारा को ना कर दे। तो मैं रखता हूँ हमारा प्रचारक, हमारे पास चेयरमैन कहा समय सोचता हूँ सबको जय मसीह।